तो गाइस आप लोगों को ये फोटो को लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलो हम लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर में ओपन करते हैं इस फोटो को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइट रूम देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है। तो इस पर आप लोगों को शेयर कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो जो कि लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर में ओपन हो चुका है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को इस फोटो को क्रॉप करना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को अगर आपके बैकग्राउंड थोड़ा लंबा है तो क्रॉप कर सकते हो, या तो फिर अगर छोटा है तो फिर सही है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉप करते हैं, ठीक है। तो इस क्रॉप वाले आइकॉन पे आना है, ठीक है। देन यहाँ पे अंदर पे आना है, ठीक है। देन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं 3x4, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे डन। देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा क्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम आएंगे जो हमारा फेस पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे भी लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फेस को जो कि कलर करेंगे, ठीक है, थोड़ा वाइट करेंगे। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर इस लाइट वाला आइकॉन पे आना है, ठीक है। यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इस पर आना है। देन यहाँ से आने के बाद गाइस आप लोग को नीचे की तरफ करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक है, तो आप लोग को इसको यहाँ पर कम कर देना है ब्लैक को, ठीक है। देन थोड़ा सा वाइट को हम कम करेंगे, ठीक है। 5 पे रखेंगे, शेडो को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। हाईलाइट्स को हल्का कम करेंगे, ठीक है। 2 पे रखेंगे, कंट्रास्ट को भी माइनस पे करेंगे, ठीक है गाइस। कंट्रास्ट को भी माइनस पे करेंगे, एक्सपोजर को भी 2 पे कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आते हैं हम बैक, ठीक है। देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था हमारा फेस। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा थोड़ा सा वाइट आ चुका है हमारा बैकग्राउंड पे, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर इफेक्ट वाला मिल जाएगा आइकॉन, ठीक है। इस पर आना है। देन यहाँ से हम थोड़ा सा क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। लगभग इतना पे रखेंगे, ठीक है। इसको भी 2 पे करेंगे, थोड़ा सा हम साइड से ब्लैक शेडो देंगे बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन ऐसे करके आप लोग को भी कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ से आते हैं बैक। देन गाइस उसके बाद आप लोग को फोटो पे कलर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को कलर वाले आइकॉन पे आना है, ठीक है। देन इस पर आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा कलर मिल जाएगा, ठीक है। पहले इस वाले कलर को शेडिंग करना है, ठीक है। तो गाइस इसको हम 4 पे रखेंगे, ठीक है। देन इसको भी हल्का इधर करेंगे, ठीक है। देन इसको 6 पे रखेंगे, हल्का सा इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। गाइस 7 पे रखेंगे। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मिक्स के अंदर आना है, ठीक है। देन यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा कलर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं ये फेस वाला कलर, ठीक है गाइस। तो आप लोग को थोड़ा सा फेस एडजस्ट करना है, तो हम थोड़ा सा हमारा फेस जो रेड रेड लग रहा है, ठीक है, इसको इधर करते हैं। देन इसको हल्का इधर करते हैं, ठीक है। फेस पे वाइट डालते हैं, ठीक है। देन इसके बाद येलो टोन पे आना है, ठीक है गाइस। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इसको पूरा माइनस पे कर देना है सेचुरेशन को, ठीक है गाइस। और इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो है टी शर्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारा टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा वाइट हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड में कलर भी आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसको इधर करना है। देन गाइस इसको इधर कर देना है, ठीक है। इसको भी इधर करना है और इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा, या तो फिर आप ग्रीन वाला कलर भी कर सकते हो, ठीक है। इसको इधर कर देना है, जो कलर आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। तो हम इसको इधर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगेगा। देन थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं। देन इसके बाद गाइस आप लोग को इस वाले कलर वाले आइकॉन पे आना है, ठीक है, यहाँ पर। देन गाइस इसको आप लोग को इधर करना है, इसको माइनस पे कर देना है सेचुरेशन को, ठीक है, पूरा। देन उसके बाद नील वाला आइकॉन को सिलेक्ट करना है, इसको इधर कर देना है, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इस वाले कलर को आना है, ठीक है। इसको इधर करना है हल्का, ठीक है। देन इसको भी हल्का इधर कर देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इसको पूरा इधर रखना है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर जो हमारा कलर एक बार में नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग को एक बार करना है डन, ओके। देन उसके बाद गाइस आप लोग को इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं पहले अपनी गैलरी के अंदर में, ठीक है। उसके बाद फिर से लाएंगे इस फोटो को, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आना है बैक, आप लोग को इस फोटो को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट वाला आइकन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो डिलीट वाला आइकन है, इस पर क्लिक करना है, फोटो को डिलीट कर देना है, ठीक है। देन आते हैं बैक अपने गैलरी के अंदर में, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा फोटो जो अभी हमने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर से कलर किया है, ठीक है। तो आप लोग को इसको फिर से लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर में शेयर करना है, ठीक है। तो चलो हम ओपन करते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पहले हम शेयर कर लेते हैं अपने फोटो को, ठीक है। तो गाइस आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर इस कलर वाले आइकन पे आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप लोग को इसको हल्का इधर करना है, ठीक है गाइस। 5 पे रखना है, देन कलर को 2 पे रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आना है मिक्स के अंदर, ठीक है गाइस। देन उसके बाद गाइस आप लोग को सबसे पहले ग्रीन वाला आइकन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन गाइस इसको इधर करना है, ठीक है। देन इसको हल्का इधर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद आप लोग को इसको इधर करना है, ठीक है। सॉरी, आप लोग को इसको इधर करना है, ठीक है। देन इसके बाद गाइस आप लोग को इसको इधर करना है, ठीक है। देन इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो लाइट्स जो हमारा बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लग रहा है, ठीक है। देन इसको इधर करने के बाद थोड़ा सा लाइट्स कम हो जाएगा, ठीक है। देन इस पर भी आप लोग को थोड़ा सा लाइट कम कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग को कलर वाला जो फेस का कलर हमारा उस पर आना, ठीक है। थोड़ा सा हमारा फेस रेड रेड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे स्नैपशीट के अंदर में, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ भी कर लेते हैं। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर देना है डन, ओके। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर
इफेक्ट के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ से हम क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे हल्का, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्लैक शेडो डालते हैं बैकग्राउंड पे, ठीक है फ्रेंड। देन हल्का सा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाला आइकन पे आना है, ठीक है। देन यहाँ से हम वाइट्स को जो है कम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग शेडो को भी हल्का बढ़ाएंगे, ठीक है। हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को भी हमको इधर करना है, ठीक है फ्रेंड्स, टू पे रखना है। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्लैक को भी कम करेंगे, ठीक है। देन इसको रखते हैं टू पे। देन यहाँ से आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रोफाइल्स के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, जो कि काफ़ी अच्छा अच्छा इफेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आर्टिस्ट टू, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन गाइस इसका ओपेसिटी हम लोग को कम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना रखते हैं, उसके बाद कर देना डन, ओके। देन गाइस इसके बाद आप लोग को इस फोटो को यहाँ पर सेव वाला आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव टू डिवाइस, फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग को मैंने बताया इसका फेस जो है बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है, ठीक है, तो इसको वाइट करना है, ठीक है। तो गाइस इसको स्नैपशीट के अंदर में आप लोग को शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर स्नैपशीट के अंदर में फोटो को शेयर कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रहा हमारा स्नैपशीट, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये है हमारा स्नैपशीट, ठीक है, इस पर हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फोटो स्नैपशीट के अंदर में ओपन हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ पर इस पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको सिलेक्ट करना है, फोटो को जूम करना है, ठीक है, अपने फोटो को। देन ऐसे करके आप लोग को फेस पे अच्छे से साइज बना के बैठा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसको हल्का हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। देन इसको हम लोग कम करेंगे, ठीक है। देन इसको भी हल्का कम करेंगे, तो काफ़ी अच्छा भी हमारा फेस में कलर भी आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे इसको, ठीक है। देन जूम करेंगे फोटो को, ऐसे करके आप लोग को इसका साइज बढ़ा कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसको बढ़ाएंगे, यहाँ से हम कम करेंगे इसको, ठीक है, इसको भी कम करेंगे, तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। देन इसको करेंगे डन। देन फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने हाथों की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेना पूरा, ठीक है। तो यहाँ से हम छोटा करेंगे, देन इसको माइनस पर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसको भी इधर करेंगे, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इधर करेंगे, देन इसको छोटा करेंगे, ठीक है। देन इसको भी माइनस पर कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद फ्रेंड्स कर देना डन। यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग को इस फोटो में थोड़ा सा कलर टोन डालना है, ठीक है। तो आप लोग को पेंसिल वाला आइकन पे आना, ठीक है, टोन इमेज पे आना, ठीक है फ्रेंड्स। देन ऐसे करके आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कम करेंगे, ठीक है। देन इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। देन इसको भी हल्का इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। सेचुरेशन को भी हल्का सेचुरेशन नहीं है, इसको भी हल्का इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। देन इसको भी हल्का इधर करेंगे, देन इसको भी हल्का इधर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसको कर देना डन, फोटो को सेव कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग स्नैपशीट को ओपन करके फोटो को लाते हो तो आप लोग को यहाँ पर सेव वाला आइकन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोग अपने गैलरी के अंदर से आप लोग अगर शेयर करके लाते हो तो आप लोग को यहाँ डन करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डन करना, फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स और एक चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है डार्क बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को फिर से लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर देना इस फोटो को, ठीक है। तो चलो हम वहाँ ओपन कर लेते हैं, अपने फोटो को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को डार्क बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फोटो, ठीक है, जो कि ओपन हो चुका है। तो इसका हम जो डार्क बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कलर वाले आइकन पे आना है, ठीक है, मिक्स के अंदर आना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पर ग्रीन वाला आइकन को सिलेक्ट करना है, इसको पूरा माइनस पे कर देना है, ठीक है, इसको भी पूरा माइनस पे कर देना है, ठीक है। देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड बन चुका है हमारा, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर ऐसे कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पर हम फेस वाला कलर वाला आइकन पाएंगे, ठीक है। देन इसको हल्का इधर करेंगे, देन इसको भी हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। देन इसको हल्का इधर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इसको भी हल्का इधर करेंगे, देन इसको हल्का इधर करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर करेंगे डन, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डन करने के बाद आप लोग को हल्का सा इसको बढ़ा देना है, ठीक है। देन इसको भी हल्का इधर करना है, ठीक है। देन इसको भी हल्का इधर करना है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर हाइलाइट्स मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसको सिलेक्ट करना आप लोग को, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से हमारा बैकग्राउंड जो कलर है थोड़ा सा मैच करना है, ठीक है। देन ऐसे करके कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इसको इधर करते हैं और इसको भी हल्का इधर करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इसको कर देना डन। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इस इफेक्ट वाले आइकन पे आना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम ब्लैक शेडो डालेंगे फोटो पे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस एक बार में नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग को बार बार करना पड़ेगा। देख सकते हो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लाइट्स वाले आइकन पे आना है, ठीक है। देन यहाँ से हम थोड़ा ब्लैक को बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने बैकग्राउंड पे। वाइट्स को कम करेंगे, शेडो को हल्का बढ़ाएंगे, ठीक है। हाइलाइट्स को हल्का कम करेंगे, कंट्रास्ट को भी हल्का इधर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी टू पे करेंगे, ठीक है। डन इसके बाद करना डन। यहाँ पर देख सकते हो फोटो को
बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अब गाइस आप लोग को फिर से प्रोफाइल्स वाले आइकन पे आना है। अब यहाँ से आप अगर प्रोफाइल्स वाले इफेक्ट दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा अच्छा इफेक्ट है, तो बिल्कुल बहुत ही मस्त मस्त इफेक्ट है। आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो है कलर काफ़ी अच्छा है गाइस, तो हमारा फेस ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा कैसे करना है फेस को, तो गाइस आप लोग को पहले इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐसे करके देख लेना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को इतना कलर रखना है यहाँ पर या फिर थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे कर लेना है, ठीक है। तो हम गाइस यहाँ से हम पूरा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, ठीक है, पूरा नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, देन हल्का सा रखेंगे, देन गाइस उसके बाद कर देना आप लोग को यहाँ पर डन, ओके। देन इस फोटो को आप लोग को सेव कर लेना एक बार अपनी गैलरी के अंदर में, ठीक है। तो गाइस हमारा फोटो एक सेव हो चुका है, ठीक है। देन यहाँ से आप लोग को फिर से यहाँ पर बैक कर देना, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आप लोग को इस फोटो को भी सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने दो पिक सेव कर लिया। अब आना गाइस आप लोग को बैक, ठीक है, अपने गैलरी के अंदर में आना है, ठीक है। तो चलो आते हैं हम बैक जल्दी। तो गाइस यहाँ पर हमने दोनों फोटो को सेव कर लिया, ठीक है, ये देख सकते हो, ये है हमारा दूसरा वाला, देन उसके बाद ये पहला वाला, ठीक है गाइस। तो आप लोग को इस फोटो को पहला वाला जो है, जो मतलब फेस जो हमारा अच्छा है, तो इस फोटो को आप लोग को पहले यहाँ पर शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। देन इसको ऑटोडेस्क स्केच बुक है, यहाँ पर ऑटोडेस्क एंड स्केच बुक के अंदर शेयर कर देना है, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फोटो ओपन हो चुका है, ठीक है गाइस, तो आप लोग को इसको छोटा करना है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे सीधे करके छोटा करना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को फोटो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को तुम बिल्कुल सीधे पर रखना है अपने फोटो को, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर एक लेयर बना लेना है, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर इमेज वाला आइकन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करना है और वो इमेज को निकाल लेना है जो आपने बैकग्राउंड कलर किया था, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो हम फोटो ले आए हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर बैठ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद करना है डन। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो कि ये सेकंड वाला है और ये पहला वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर ये रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसको आप लोग को फेस से फेस का कलर जो है इसको हटाना है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन गाइस उसके बाद आप लोग को, तो गाइस आप लोग को इस वाले अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग को इस वाला को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इसको। देन उसके बाद सेटिंग पे आना है, ठीक है, इसको 100 कर लेना और उसको अपने हिसाब से साइज को रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके आप लोग को फेस से ये वाला कलर हटा लेना है, ठीक है गाइस, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम चलो यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो वीडियो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने पूरा कर लिया, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को कलर वाला आइकन मिल जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, इसको आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ से आप लोग थोड़ा सा कलर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं यहाँ पर अपने फोटो को कलर करने के बाद डन कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग को अगर कम करना है तो कम कर लेना है, ठीक है, इसका ओपेसिटी तो हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इस फोटो को सेव करना है, तो आप लोग को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद सेव वाले अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है गाइस। देन उसके बाद सेव टू डिवाइस फोटो को अपने गैलरी के अंदर में सेव कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। देन गाइस यहाँ पर हमारा फोटो जो काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम इसी तरह एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है।